खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां विगत दिनों गुड़ स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर कल्याण सिंह के खिलाफ छेड़छाड़ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। उक्त मामला एक एनजीओ संचालिका की शिकायत पर दर्ज किया गया है। उसी मामले को लेकर चिकित्सक कल्याण सिंह ने सोमवार को पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने कुछ विभाग से सवाल पूछा है, साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्यवाही की मांग की है। दरअसल 13 दिसंबर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था। उक्त वीडियो में एनजीओ संचालक, उसके साथी और अस्पताल का स्टाफ दिखा था, जिसमें एनजीओ संचालिका ने डॉक्टर के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, लेकिन चिकित्सक की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारी और अपने विभागों को भी सूचित किया, लेकिन न्याय न मिलने के चलते मीडिया के माध्यम से रूबरू हुए और सवाल किया है। डॉक्टर कल्याण सिंह ने बताया कि 22 नवंबर को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा पत्र खंड चिकित्सा अधिकारी को भेजा गया, जो राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में था। उक्त आदेश में खंड चिकित्सा अधिकारी को आदेशित किया गया था कि 13 दिसंबर से पहले कैंप लगाकर आशा, एनम, बीपीएमसीएचओ एवं नेत्र सहायक की सहायता से 30 मरीज मोतियाबिंद के जांच कर रखना है। 13 दिसंबर को संस्था में एक वाहन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय सुबह 8 बजे भेजेगा। सभी 30 मरीजों को जिला अस्पताल भेजने के लिए रखा जाएगा। उक्त आदेश में किसी भी प्रकार से एनजीओ संचालिका या एनजीओ का नाम नहीं था। फिर यह सवाल किया है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी होने के नाते विभाग से वह जानना चाहते हैं कि उनकी ड्यूटी कैंप में क्यों नहीं लगाई गई। ड्यूटी नहीं लगाई गई तो किसी बाहरी व्यक्ति के अस्पताल में आने के संबंध में कोई सूचना क्यों नहीं दी गई। इतना ही नहीं, डॉक्टर कल्याण सिंह ने मांग की है कि उक्त महिला जिस एनजीओ की अध्यक्ष बताई जाती हैं, क्या वह ट्रेवलिंग एजेंसी चलाती हैं, उसका आदेश सार्वजनिक किया जाए। आइए सुनाते हैं कल्याण सिंह ने पूरे मामले को लेकर क्या सवाल खड़े किए हैं और अपने पक्ष में क्या कहा है। भैया, मैं डॉक्टर कल्याण सिंह, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में प्रभारी हूँ। मैं आज आप लोग के पास अपना व्यू रखने के लिए आया। 13/12/2022 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ में एक घटना घटित हुई है, जिसमें मेरे द्वारा पुलिस को सूचित किया गया था, साथ ही पुलिस अधीक्षक महोदय, आईजी महोदय को मैंने अपना आवेदन दिया। उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसी से व्यथित होकर मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखने के लिए आया हूँ। एक ये हमारे सीएमएचओ कार्यालय का एक आदेश है 24/11/2022 का, ये खंड चिकित्सा अधिकारी के लिए प्रकाश भेजा गया और इसमें ये कहा गया था कि खंड चिकित्सा अधिकारी एक निश्चित दिनांक को कैंप लगाकर अपने कर्मचारियों के साथ 30 मरीज मोतियाबिंद के आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें ये सुनिश्चित करेंगे कि उनका बीपी शुगर इतना इतना होना चाहिए। अगले दिन सुबह 8 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ से एक बस आएगी, जिनसे उन मरीजों को लाया जाना है। इसमें कहीं मेरी ड्यूटी नहीं लगाई गई, पहली बात, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। दूसरा, जो घटना घटित हुई है जिसमें वो लोग थे, एक महिला और 5 पुरुष थे, उनकी भी कोई सूचना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुड़ को नहीं थी कि कोई इस तरह के लोग आएंगे और यहाँ कैंप लगाएंगे, और आदेश में भी उनके द्वारा कैंप लगाए जाने का कोई उल्लेख नहीं है। उन लोगों ने मेरे पास आके, महिला ने डायरेक्ट मुझे हड़काना शुरू कर दिया, बोलने लगी कि आपने यहाँ कोई व्यवस्था क्यों नहीं करके रखी है। मैंने कहा, मैडम किस तरह की व्यवस्था, यहाँ तो रोज़ के रूटीन में जो व्यवस्था रहती है वो व्यवस्था ऑलरेडी यहाँ पर है, कि आपने टेंट नहीं लगवाया, आपने कुर्सी नहीं लगवाई, दरी नहीं बिछवाई। मैंने कहा, आप हैं कौन, आप अपना परिचय दीजिए, या कोई ऐसा आदेश यदि आपके पास है यहाँ कैंप लगाने का तो आप मुझे वो आदेश दिखा। बार बार मांगने के बावजूद उस महिला ने मुझे कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया। फिर उसके बाद वो जो वीडियो है, इतना उसमें सारा एडिट है, आप देखेंगे, 1-6 सेकंड का वीडियो, उसमें एक लड़का दूर खड़ा हुआ मुझे गाली दे रहा है, तो मैं उसकी तरफ ये कहते हुए बढ़ रहा हूँ कि क्या आप यहाँ गुंडई करने के आए हैं। तो वो महिला बीच में आके मुझे धक्का देते हुए ये बोलती है कि आप आइए मुझे मारिए।
मुझे मार के दिखाइए, मतलब उस लड़की का बचाव कर रही है वो, और ये चाह रही है कि मैं उससे भिड़ूँ और उतना वीडियो बन के वो कहीं दिखा सके। फिर उसमें आगे जो वीडियो दूसरा आया है एडिट करके, उसमें एक महिला मरीज ये भी कह रही है कि क्या आप लोग यहाँ कैंप लगाने आए हैं कि गुंडे करने के लिए, ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये वहाँ मरीज कह रहे हैं। जब वहाँ खड़े हुए मरीजों ने ये देखा कि एक अधिकारी के ऊपर इन्होंने हाथ उठा दिया है, तो वही मरीज उनके ऊपर टूट पड़े, कोई कर्मचारी उसमें नहीं टूट रहा, उन्हें अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण उन्होंने उन्हें मारना फिर शुरू किया। ये वहाँ की घटना है। मैं उसके बाद फिर थाने गया हूँ, थाने में TI साहब को फ़ोन लगाया, TI साहब थाने में नहीं थे, उन्होंने दो आरक्षक भेजे हैं और आरक्षक भी उन्हें समझाए, उसके बावजूद वो नहीं माने हैं। एक षड्यंत्र करके कुछ गांव के लोग भी इन्वॉल्व थे जो उन्हें लेके आए थे, उन्होंने मेरे ऊपर इस तरह का एक केस दर्ज करवा दिया। मेरे द्वारा भी आवेदन दिए गए लेकिन उसमें कोई सुनवाई आज दिनांक तक नहीं रही। मैं न्याय मांग रहा हूँ, मेरे क्योंकि मैं शासकीय कार्य में था और ऑलरेडी अपना काम कर रहा था, ओपन स्पेस था, तो मुझे भी उसमें न्याय मिलना चाहिए जैसा मैंने आवेदन दिया। एक पक्ष कार्रवाई ना, मैं आवेदन दे दिया हूँ, रिसीविंग मेरे पास है लेकिन अभी कोई ऐसी सहायता दिख नहीं रही। कारण सबसे बड़ा ये है कि मैं वहाँ BJP की अध्यक्ष हूँ, मैं मेरठ से बिलोंग करती हूँ, डॉक्टर कल्याण सिंह बिजनौर से बिलोंग करते हैं, हम बाई कास्ट जाट हैं, नाम ठाकुर है ना ब्राह्मण है, ठीक। यहाँ के सभी ठाकुरों और ब्राह्मणों को परास्त करके एक बाहर की लड़की आके अध्यक्ष बन के बैठ गई, वो लोगों को हजम नहीं हो रहा है। बस इस सब के पीछे यही एक कारण है कि एक पूरी लोबी डॉक्टर कल्याण सिंह और डॉक्टर अर्चना सिंह के पीछे लगी हुई है कि किस तरह इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाए, इन्हें मानसिक रूप से कमजोर किया जाए, इन्हें हराया जाए, क्योंकि जनता के द्वारा तो वो हारे नहीं, अब षड्यंत्रों के द्वारा हमें हराने की कोशिश कर रहे हैं। जनता आपको चाहती है, अरे भाई कौन विपक्ष का नेता, जब वो गलत लोग हैं, जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तो वो कैसे मुझे हजम कर पाएंगे, आप ये बताइए। इस सब के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ ये जो आपका मोबाइल मीडिया है, ये जज बना बैठा है, डॉक्टर कल्याण सिंह को गिल्टी बोल रहा है, कल्पित बोल रहा है, अरे आप कोर्ट में जाइए ना, FIR करने होने दीजिए डॉक्टर कल्याण सिंह की तरफ से, FIR हो गई है उस लड़की की तरफ से, दूध का दूध पानी का पानी जज करेंगे, आप जज क्यों बन रहे हैं। मोबाइल मीडिया वालों ने कुछ उटपटांग लिखा है, कुछ उटपटांग, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है, जो कि विपक्ष वाले चाहते थे, उसे नपुंसक बोला, डॉक्टर कल्याण सिंह को हिजड़ा बोला, कौन बर्दाश्त करेगा इस चीज को, हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने IG के यहाँ, SP के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ और गुड़ थाने में सब जगह कंप्लेंट की हुई है, कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही विपक्ष वालों के दबाव में। वहाँ पे डॉक्टर कल्याण सिंह रोजमर्रा की रूटीन में अपने गुड़ CSE में बैठ के पेशेंट्स को देख रहे थे, एक महिला आती है 5 लोगों के साथ गाड़ी में, वो डायरेक्ट अंदर हॉस्पिटल में घुसती है, हॉस्पिटल में से फिर कुछ मिनट के बाद बाहर निकलती है और आके कल्याण सिंह के पास आके बोलती है कि आपके यहाँ क्या व्यवस्था है। तो डॉक्टर कल्याण सिंह के पूछते हैं, मैडम किस परिप्रेक्ष्य में आप पूछ रही हैं व्यवस्था, तो उन्होंने कहा आपके यहाँ कोई टेंट नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, मरीजों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। कह रहे टेंट कुर्सी किस लिए, कह रहे आज यहाँ पे कैंप है। कह रहे मैडम मेरे पास ऐसा कोई आदेश नहीं है मेरे विभाग की तरफ से कि यहाँ पे कैंप है। तो तब वो बोलती हैं कि इनका वीडियो बनाइए, उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा, इनकी यहाँ की जितनी भी अव्यवस्था है वो दिखाई जाएगी। तो जो लड़के उनके साथ थे वीडियो बना रहे थे, डॉक्टर साहब खड़े होते हैं और कहते हैं आप यहाँ वीडियो बनाने आए हैं, क्या करने आए हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। कह रहे हम NGO से हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप में से किसी को देख के, 16-17 साल के लोग हैं, एक लड़का उसमें 25-26 साल का था, आपके कोई ID कार्ड नहीं लगे हुए हैं, तो हम कैसे मान लें कि आप एक किसी NGO से हैं। तो उसमें से एक लड़का डॉक्टर साहब के ऊपर हाथ छोड़ देता है। तो डॉक्टर साहब उसकी तरफ दौड़ते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं वहाँ पे पेशेंट्स हैं, लगभग 50 पेशेंट्स थे, महिलाएं थी, पुरुष थी, बच्चे थे, उसके अस्पताल के कर्मचारी थे, उनमें आपस में मारपीट होती है। और वो जो आप वीडियो मुझे बता रहे हैं, उस वीडियो में डॉक्टर साहब उस लड़के की तरफ बढ़ रहे हैं, वो लड़की बीच में आती है और कहती है मुझे हाथ लगा, और डॉक्टर साहब कहते हैं हट, डॉक्टर साहब उस पर हाथ नहीं उठा रहे हैं, डॉक्टर साहब उसे कह रहे हैं हट। आप उस वीडियो को स्लो मोशन में प्लीज़ देखिए।